नमस्कार, आई एम रीना शर्मा, योर एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने सीरीज शुरू की थी एनुअल प्रेडिक्शंस के ऊपर, या आप कह सकते हैं वार्षिक राशिफल के ऊपर। और पहला वार्षिक राशिफल या पहली राशि का वार्षिक राशिफल, जो कि मेष राशि का था या एरीज असेंडेंट का था, मतलब चंद्र राशि और असेंडेंट दोनों से आप देख सकते हैं, वो मैं बना चुकी हूँ, आप देख चुके होंगे। ये दूसरी राशि है टॉरस या वृषभ। तो क्या लेकर आने वाला है 2023 वृषभ राशि के लिए या टॉरस असेंडेंट वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपके करियर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कितना सक्सेसफुल होंगे, आपके एग्जाम्स कैसे होंगे, आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आपके पढ़ाई का स्टेटस क्या रहेगा, इसके बारे में बात कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी हैं वीनस यानी शुक्र। और शुक्र कौन है? शुक्र हैं भोग विलास, हर तरीके की सुख समृद्धि देने वाले ग्रह। और अगर इनको हम सौम्य या क्रूर ग्रहों में देखें तो शुक्र एक सौम्य ग्रह हैं। वैसे तो शुक्र एक इनर प्लैनेट कंसिडर होते हैं, इसलिए वार्षिक राशिफल में उनको कंसिडर नहीं करूंगी। हम जनरली मेजर प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं, जैसे कि शनि, जुपिटर, राहु और केतु। लेकिन इस केस में क्योंकि ये वृषभ राशि है और इसके स्वामी ही शुक्र हैं, तो हम शुक्र के गोचर को भी देखेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा राशिफल गोचर सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। और आप लोग इसे अपने लग्न से या फिर अपनी चंद्र राशि दोनों पे अप्लाई करके देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये वीडियो हर तरीके की ऑडियंस देख रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि ये जो मेजर प्लैनेट्स है ये कहाँ कहाँ किस किस राशि में आ रहे हैं। देखिए, शनि साल की शुरुआत में 17 जनवरी को चले जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, यानी कि एक्वेरियस में, और वो वृष लग्न में पड़ती है 10वां भाव या 10th हाउस ऑफ प्रोफेशन, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं, वहां चले जाएंगे शनि 17 जनवरी को। और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, वो मूव करेंगे 22 अप्रैल को कौन सी राशि में? मेष राशि में, और मेष राशि पड़ती है आपके 12वें घर। और राहु आ जाएंगे मीन राशि में, जो कि फिर से आपका लाभ स्थान है, यानी कि 11वां घर है, और वहां बैठ के राहु आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे पूरे साल भर। और केतु ठीक उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे उसके 7वें घर में, यानी कि वर्गों में, कन्या राशि में जाकर बैठेंगे 30 अक्टूबर से, और वहां 18 महीने रहेंगे। शनि देव आपके 10वें घर में बैठ के शश महापुरुष नामक योग बना रहे हैं। वहां शश महापुरुष नामक योग बनने का मतलब है आपको नेम एंड फेम मिलेगा। इस वर्ष 2023 आपके लिए धन वर्षा लेकर आएगा, आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। और अभी इस समय ठीक है कि राहु आपके 12वें घर में है तो खर्चे हो रहे हैं, पर वो खर्चे हमेशा अच्छी चीजों में हो रहे हैं, शुभ चीजों में हो रहे हैं, अच्छे धर्म कर्म के चीजों में हो रहे हैं खर्चे, वो फिजूल खर्ची नहीं कर रहे, क्योंकि राहु वहां पे बैठे जरूर हैं लेकिन वो मेष राशि में बैठे हैं। और जैसे ही शनिदेव 10th हाउस में होंगे, वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि राहु पे डालेंगे, जो कि 12वें घर में बैठा है मेष में, तो वो कहीं ना कहीं वो खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जहां भी शनिदेव दृष्टि डालते हैं आपको पता ही है उस भाव के सिग्निफिकेंस का नाश करते हैं। एंड 12th हाउस इज एक्सपेंडिचर, खर्चे, वहां राहु बैठ के बहुत खर्चे बढ़ा रहे थे, लेकिन शनिदेव के 10th हाउस में आते ही वो खर्चे आपके काबू में आ जाएंगे, तो इन अ वे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। और 30 अक्टूबर के बाद तो असली धन वर्षा शुरू होगी, क्योंकि राहु और केतु मिलके आपके धन भावों को एक्टिवेट कर देंगे, एंड यू विल फील अ सडन, जिसे कहते हैं कि आकस्मिक आपको गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। ये तो था मोटा मोटा एक जनरल सा, आपको बहुत जेनरिक सा मैंने आपको एक इम्प्रेशन दिया ईयर 2023 के बारे में। चलिए आप मंथ वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। देखिए, फ्रॉम जनवरी टू मई बहुत अच्छा समय है, आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, एंड यू विल फील दैट यू आर हैविंग अ गुड ग्रोथ इन योर करियर। पर फिर वही जून टू सितंबर थोड़े से काम अटक अटक के होंगे, अड़चने आने लगेंगी, आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी द विनर। अगर हम बात करें अक्टूबर टू दिसंबर की, तो ये एक बहुत ही अच्छा पीरियड आपके लिए साबित होगा।
लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके सारे काम बनेंगे, आप ये सब कुछ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम पीपल विल बी वेरी जेलस ऑफ यू ऑल्सो. आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी और आप बहुत सक्सेस महसूस करेंगे. चलिए अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में. फ्रॉम जनवरी टू मई आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, आपके शादी विवाह के भी अच्छे योग संयोग बन रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके रिलेशंस काफ़ी मधुर हो जाएंगे. अगर आप लिव इन में हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और सामंजस्य बनेगा. आप लोगों की अगर कोई रिफ्ट्स चल रही हों या पहले के कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हों, वो सारे के सारे इस पीरियड में सुलझ जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. पर वहीं आगे बढ़ के जून टू दिसंबर काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं, मिसकम्युनिकेशन बढ़ सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ तक बढ़ सकता है कि बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. और इन महीनों में स्पेशली अगस्त और सितंबर ज़्यादा क्रिटिकल हैं. सो बी वेरी कॉशियस ऑफ योर वर्ड्स, व्हाट यू स्पीक. आप क्या बोलते हैं, क्या आपके एक्शंस होते हैं, सामने वाले को उससे क्या असर होता है, इन सब बातों का ध्यान रख के आगे बढ़ें. और ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए आपको अथॉरिटीज से या बड़ों से या ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए. अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं. अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं इस वर्ष 2023 में, तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कॉलेज में चाहेंगे आपका एडमिशन हो जाए वो हो पाएगा, अगर आप ड्यू एफर्ट्स डालें. अगर आप उतने अच्छे एफर्ट्स डालेंगे, अपना फ्री विल यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी और आपकी चॉइस का कॉलेज आपको मिल सकता है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. जून टू दिसंबर का जो समय है वो भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पे सब कुछ छोड़कर ना बैठ जाएं. अगर आप अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे, आपको 100% एफर्ट्स डालने होंगे. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप जो अचीव करना चाहते हैं उसमें अड़चनें आ सकती हैं. सो अपने एफर्ट्स को फुल फ्लज्ड रखें और गियर अप योर सॉक्स. चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की हेल्थ के बारे में. देखिए, जो लोग अब तक अपने एक फिटनेस रिजीम को नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, उतना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे थे कि हम कैसे एक फिटनेस रूटीन अपना बनाएं, वो भी जनवरी टू मई के बीच में अपना एक फिटनेस रूटीन बना पाएंगे, इनिशिएटिव ले पाएंगे. और वो किसी भी तरीके के स्पोर्ट में, किसी भी तरीके के फिटनेस में, चाहे वो योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे जिम हो, चाहे साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, एनीथिंग, यू विल गेट इनटू समथिंग. सो इन बिटवीन जनवरी टू मई यू विल बी एबल टू हैव अ गुड फिटनेस रिजीम, एंड दैट इज़ वेरी वेरी असेंशियल ऑल्सो फॉर यू टॉरियंस. ऐसा करने से आप अपने अंदर रोग प्रतिरोधक ऊर्जा को जगा पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे. ये पूरा साल 2023 आपके लिए एक स्वस्थ वर्ष साबित होगा. पर वो लोग जो कि बुजुर्ग हैं या क्रोनिक इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये तीन महीने अगस्त, सितंबर और नवंबर थोड़े क्रिटिकल रह सकते हैं. तो आप लोग अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, आप लोग अपने मेडिकल चेकअप्स टाइमली कराते रहें और अपनी किसी भी छोटी से छोटी परेशानी को, जो आपको हेल्थ इशू आ रहा हो, उसे लाइटली ना लें. तो आशा करती हूँ आने वाला 2023 टॉरियंस के लिए या वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा. आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी. अब एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अपना ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप ऐसा अच्छा कंटेंट देखते रहें. अगली बार मिलती हूँ मिथुन या जेमिनी राशि वालों का राशि फल लेकर साल 2023 के लिए. तब तक के लिए नमस्कार.